Hello students, our today's topic is recombinant DNA technology. Okay, as a word when we can saw here, recombinant, re means what? Again, and combinant means what? Combine. आपको क्या करना है यहाँ पर जो भी DNA के content है उसको recombine करना है, means अपन जैसे म्हणतो की पुन्हा कोणतीतरी गोष्ट कंबाइन करणे, सो जो भी डीएनए आपके पास रहेगा उसको आपको क्या करना है, फिर से कंबाइन करना है विद द डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे जैसे आप डीएनए यूज करोगे, जैसे जैसे आप जीन्स यूज करोगे, वैसे वैसे उसको क्या करना है, आपको कंबाइन करना है. एंड एट दैट टाइम वी आर यूजिंग अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, सो दैट टेक्नोलॉजी वी कैन कॉल्ड एज हियर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ओके, नाउ देयर आर द सम बेसिक स्टेप्स आर देयर व्हेन वी कैन स्टडी अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. द फर्स्ट स्टेप इज हियर द आइसोलेशन, सेकंड वन इज हियर द फ्रैगमेंट्स स्क्रीनिंग, इंसर्ट इनटू द वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इनटू द होस्ट सेल, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड जीन. इसका सिंपल एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि जैसे मेरे पास यहाँ पर मिल्क है, इन साइड द मिल्क आई कैन ऐड हियर द योगर्ट और द कर्ड. आपके पास तुमच्याजवळ जे काही दही असेल ते तुम्हाला कशात ऐड करायचे, त्या मिल्कमध्ये टाकलं. आता हे जे काही कर्ड होतं, या कर्डमध्ये काय प्रेझेंट आहे, देर इज अ स्मॉलर अमाऊंट ऑफ अ बॅक्टेरिया इट इज अवेलेबल, आणि तो बॅक्टेरिया तुम्ही कशात टाकलेला आहे, त्या मिल्कमध्ये टाकला. नाउ व्हॉट विल हॅपन, firstly they can match with that surrounding area, and after that the growth gets started of that bacteria, the reproduction rate of that bacteria get faster and faster, aur wahan par within a 7 to 8 hours mein yahan par puri tarah se curd kya hone wala hai, taiyar hone wala hai. So according to that when we can observe, those are the same basic steps, sirf difference kya hai, curd ki bajaye aap yahan par DNA ka vector add karne wale ho, DNA ka jo bhi yahan par recombinant vector hai that only we can add it. So the first one is here the isolation. Lekin isolate kya karna hai, we can isolate first of all here the human cell. Okay, sabse pehle aap kya karoge yahan par, human cell ko isolate karoge. First of all we can just diagrammatically observe all those things. The human cell is here, right? From this human cell I can just take out the one of the DNA. Maine kya nikala yahan par, ek DNA nikala hua hai, the DNA with a, now जो भी ह्यूमन सेल से मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैंने ह्यूमन सेल को आइसोलेट किया, कोई तो भी एक हाथ सेल या ह्यूमन बॉडी से, और उसको क्या किया है, आइसोलेट किया है. इनसाइड दैट आइसोलेटेड, फ्रॉम दैट आइसोलेटेड सेल आई कैन एक्सट्रैक्टेड द डीएनए, डीएनए को निकाला. नाउ इनसाइड दैट डीएनए आई कैन पुट हियर द रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम, और रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम का नाम है यहाँ पर एंडोन्यूक्लियेजेस. ओके, रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम मतलब क्या, जैसे ये डीएनए आपको आंखों से दिखाई नहीं देने वाला, वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आइज, सो एट दैट टाइम, सो व्हेन दोज डीएनए वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आइज, इनसाइड द डीएनए वी कैन यूजिंग द मॉलिक्यूलर सीजर, एक मॉलिक्यूलर सीजर आप ऐड करने वाले हो कि जिससे वो क्या होगा, ये डीएनए कट फॉर्म में मिलेगा, एंड दैट वी कैन गेट अप इन टू द फ्रेगमेंटेड फॉर्म. तो ये फ्रेगमेंटेड फॉर्म में यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, डीएनए मिलेगा. नाउ दिस फ्रेगमेंटेड फॉर्म डीएनएज आर देयर. ओके, ऑन द अनदर साइड, दिस इज योर फर्स्ट साइड एंड दिस इज अवर सेकंड साइड. की फर्स्ट साइड में आपने डोनर किसको लिया, यहाँ पर ह्यूमन सेल को लिया है. सेकंड साइड में यहाँ पर आपने क्या लिया, ई कोलाई, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ अ बैक्टेरिया. लेकिन अगर आप इस ई कोलाई को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर न्यूक्लियस है, बट विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देयर, दैट्स वाई वी कैन कॉल एज हियर द न्यूक्लियोइड. और यहाँ पर न्यूक्लियोइड के साइड में रहता है प्लाज्मिड वेक्टर, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ प्लाज्मिड वेक्टर. नाउ दिस प्लाज्मिड वेक्टर वी कैन एक्सट्रैक्टेड, इसको क्या करोगे आप, इसको बाहर निकालोगे, कहाँ से, इकोलाई से. जैसे ह्यूमन सेल से यहाँ पर डीएनए निकाला, वैसे ही इकोलाई से आप यहाँ पर क्या बाहर निकालने वाले हो, वी कैन जस्ट आइसोलेट हियर द डीएनए, सॉरी नॉट अ डीएनए, वी कैन आइसोलेट हियर द प्लाज्मिड. प्लाज्मिड को जैसे यहाँ पर आपने क्या डाला, हियर वी कैन एडेड हियर द एंडोन्यूक्लियेजेस, सेम दैट इस प्लाज्मिड में आप क्या डालने वाले हो, वी कैन जस्ट पुट अप हियर द एंडोन्यूक्लियेजेस. जैसे ही आप यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस डालोगे, इट कम्स यू नो अगेन इन टू द फ्रेगमेंटेड फॉर्म. ओके, लेकिन आप अगर देखोगे कि ये भी फ्रेगमेंट्स मिले आपको, ये भी फ्रेगमेंट्स मिले, बट दोज आर कटेड लाइक वाइज. सपोज ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है, राइट, ये डीएनए के स्ट्रक्चर में यहाँ पर रहता है ए टी जी और सी. ए इज ऑलवेज कंबाइंड विद अ टी, जी इज ऑलवेज कंबाइंड विद अ सी. नाउ दिस ए, सपोज अगर मेरे पास ये वाला फ्रेगमेंट है, राइट, ये वाला मेरे पास फ्रेगमेंट है, यहाँ पर क्या है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ ए,
इसको अगर किसी के साथ दूसरे फ्रेगमेंट के साथ कंबाइन होना है तो यहाँ पर ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का ये वाला एंड है, अगर प्लाज्मिड के ये एंड पर यहाँ पर टी रहता है एट द टाइम दे गेट जॉइंट विथ ईच अदर, ओके, तभी वो क्या हो सकेंगे यहाँ पर जॉइंट हो जॉइन हो गए. सो देर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एंड, ये टी भी रहता है, ए भी रह सकता है, जी भी रह सकता है और सी भी रह सकता है, ओके. नाउ फॉर द कॉम्बिनेशन, ये आपके पास डीएनए का फ्रेगमेंट है, यहाँ पर आपका कटेड फॉर्म में यहाँ पर प्लाज्मिड है, आप दोनों को क्या करना है यहाँ पर जॉइन करना है. बट एट द सेम टाइम वी आर यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम एंड दैट वी कैन कॉल एज हियर द लाइगेज. फर्स्ट एंजाइम कौन सा था, एंडोन्यूक्लियेजेस, टू कट दैट वट एवर द सैम्पल यू हैव वी कैन कट विद द रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेजेस. सेकेंड वन इज हियर द लाइगेज, लाइगेज मीन्स ये क्या करेगा, क्लोजिंग करने का काम करेगा. सो एट दैट टाइम दिस फ्रेगमेंट डीएनए एंड दिस व्हाट प्लाज्मिड गेट क्लोज टू ईच अदर बाय दिस लाइगेज एंजाइम. एंड यहाँ पर ये वाला जो फ्रेगमेंट था डीएनए का, इट कंसिस्ट ऑफ अ जीन फॉर द इंसुलिन. इसमें क्या अवेलेबल है, इंसुलिन. अभी एक बात ये भी आती है कि ये सारी प्रोसेस करना क्यों, ओके. एक सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक डायबिटीज का पेशेंट है, उसकी शुगर लेवल क्या होने वाली है, हायर होने वाली है. अगर शुगर लेवल हायर होती है एट द सेम टाइम व्हाट गेट डिक्रीजेस, द इंसुलिन लेवल इज गेट डिक्रीजेस. तब उन पेशेंट्स को क्या दिया जाता है, इंसुलिन के इंजेक्शन. फिर ये इंसुलिन आएगा कहाँ से, हाउ वी कैन जनरेट इट. सो वी आर जनरेटिंग दिस इंसुलिन इंजेक्शंस बाय दिस मेथड, ओके. सो हियर ह्यूमन सेल था, उसमें यहाँ पर क्या था, इंसुलिन था, उसके डीएनए में इंसुलिन है. इसका मतलब यहाँ पर जो भी जीन है प्रेजेंट है विच कंसिस्ट ऑफ हियर द इंसुलिन, और हमको क्या करना है यहाँ पर, इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है, मतलब इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा लेवल में तैयार करना है. नाउ दिस जीन गेट कंबाइंड विद दिस प्लाज्मिड, राइट. ये प्लाज्मिड कहाँ पर था, इकोलाई में था. जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि मेरे पास जो भी मिल्क है, मैं इस मिल्क में कर्ड को ऐड करने वाली हूँ, कि क्या होगा 7-8 घंटे के बाद मैं अगर देखूँ तो पूरी तरह से जो दही या योगर्ट या कर्ड मुझे तैयार करना है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है. सेम दैट मेरे पास अभी यहाँ पर क्या है, कल्चर है. इनसाइड दैट कल्चर नाउ डायरेक्टली आई कैन पुट अप दिस प्लाज्मिड वेक्टर. सी यहाँ पर क्या बोला हुआ है, दिस वेक्टर वी कैन कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर. क्या कहेंगे इसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर वी कैन डायरेक्टली पुट इनसाइड दिस इकोलाई कल्चर. और फिर क्या होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये ऐसे अलग 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 ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होने वाले हैं, तैयार होने वाले. लेकिन सबसे पहले एंजाइम यूज किया एंडोन्यूक्लियेजेस. सेकेंड एंजाइम इज हियर द लाइगेज एंजाइम. नाउ द थर्ड एंजाइम वी कैन जस्ट यूज हियर द पॉलीमरेज एंजाइम. देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, नाउ हियर वी कैन यूज द पॉलीमरेज एंजाइम. पॉली मीन्स वॉट, मेनी. मेनी मीन्स वॉट, आपको इसकी क्वांटिटी क्या करनी है यहाँ पर, पॉली कर यहाँ पर बढ़ानी है ज़्यादा से ज़्यादा. जो भी इकोला यहाँ पर था, एक था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये क्या होने वाला है, मल्टीप्लीकेशन होने वाला है. लेकिन इजी मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, एट द टाइम ऑफ द पॉलीमरेज एंजाइम. जब आप इस कल्चर में पॉलीमरेज एंजाइम ऐड करोगे, एट दैट टाइम इट इज़ व्हाट, इट इज़ मोर एंड मोर बेनिफिशियल टू ग्रो इन अ लार्जर क्वांटिटी. और इस सब चीज़ें करने की वजह से क्या होने वाला है, पॉपुलेशन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बाय द हेल्प ऑफ द ई कोलाई. और इसी तरह से ये वाला आपका जो पॉइंट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हियर वी कैन कवर अप. समझ में आ रहा है, ओके. सो अ पॉपुलेशन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ई कोलाई की हेल्प से आप यहाँ पर क्या प्रोडक्शन करने वाले हो, वी कैन जस्ट प्रोड्यूस हियर द इंसुलिन. सो अकॉर्डिंग टू दैट दोज आर हियर द बेसिक स्टेप्स. ये वाले जो बेसिक स्टेप्स आपने देखे वही आपको यहाँ पर बताए हुए हैं. सबसे पहले क्या किया मैंने, ह्यूमन सेल जो भी था उससे आइसोलेट करके डीएनए निकाला, उस डीएनए के फ्रेगमेंट्स किए. एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेजेस. फिर उसको स्क्रीनिंग किया, स्क्रीनिंग करने के बाद में इंसर्ट इनटू द वेक्टर क्लोनिंग. ये कब, ये वाला जो वेक्टर है जिसको यहाँ पर क्या किया, फ्रेगमेंट्स की तरह से यहाँ से कट किया और उसको क्या किया यहाँ पर वेक्टर इनटू इंसर्ट इनटू द वेक्टर. द नेक्स्ट वन इज द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इनटू द होस्ट सेल. नाउ ये जो भी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर आपके पास था, मैंने इसको किसमें डाल दिया, दिस सेल वी कैन कॉल एज हियर द होस्ट सेल. इसको क्या कहेंगे यहाँ पर, होस्ट सेल कहेंगे. एंड एट दैट टाइम वी गेट मल्टीपल कॉपीज ऑफ द व्हाट, मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ होस्ट सेल. फिर उसके बाद
जो भी कॉपीज आपके पास है उसमें से आप डिजायर्ड जीन क्या करोगे, निकालोगे, एंड दैट जीन इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ इंसुलिन। ओके, समझ में आया? ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, दोज आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर डायग्रामेटिकली आप स्टडी करोगे तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझने वाला है। ओके, सो थैंक यू।